तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए मेष राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। तो यहाँ पर ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और सबसे पहले अगर बात की जाए 22, 23 और 24 अप्रैल की, तो इस दौरान चंद्रमा आपके राशि स्थान से दूसरे भाव में उच्च के रहेंगे, वृषभ राशि में। तो यहाँ पर धन को लेकर स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। परिवार में कोई बचा हुआ काम है तो आप वो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी काफी अच्छी बनेगी, परिवार के सदस्यों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, घर में काफी अच्छा माहौल रहेगा। साथ में आप जो पैसा खर्च करेंगे वो आज परिवार के सदस्यों पर इस दौरान खर्च करेंगे। इसके अलावा 3 दिन तक कोई भी परिवार में ऐसा आयोजन भी आप कर सकते हैं जिसमें आप परिवार वालों के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से आप बाहर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद की अगर स्थितियों की बात करें तो 25 और 26 को आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा का ट्रांजिट है वो आपके मिथुन राशि में रहेगा, यानी तीसरे भाव में। तीसरे भाव में यहाँ पर राहु का ट्रांजिट भी ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा राहु से प्रभावित रहेंगे। राहु से प्रभावित होने की वजह से कोई भी डिसीजन लेते समय सोच समझ कर डिसीजन लें, इससे आपका मन भ्रमित रह सकता है इन 2 दिनों के लिए। साथ में कोई छोटी दूरी की यात्रा की प्लानिंग आप आगे आने वाले समय के लिए कर सकते हैं, किसी अपने पेंडिंग काम के लिए अभी आप सोच सकते हैं। काफी अच्छा समय नहीं कहा जा सकता हालांकि, लेकिन फिर भी आप आगे के लिए प्लानिंग अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद की अगर यहाँ बात करें 27, 28 और 29 अप्रैल की, तो इस दौरान काफी अच्छा समय रहेगा 29 तक आपका, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके राशि स्थान से चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे। ये चतुर्थ भाव में ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर खुद की राशि में एक तो चंद्रमा है और दूसरा यहाँ पर ये सुख स्थान में चंद्रमा का ट्रांजिट आपको बहुत कुछ मानसिक सुकून देने वाला है। साथ ही अभी जो भाव की स्थितियां आपके लिए चल रही थी पिछले कुछ दिनों से वो अब दूर हो जाएंगी। माता के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे और अपने घर से आप कहीं ना कहीं लगाव फील करेंगे। घर से अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो इस दौरान आप प्लान कैंसिल कर दीजिए। साथ में आप अपने जॉब पर भी काफी ध्यान देंगे, तो घर बैठे आप अगर काम कर रहे हैं फिलहाल तो बहुत अच्छा आप काम करेंगे। अपने काम पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले समय में उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें 30 अप्रैल की, तो 30 अप्रैल को चंद्रमा आपके राशि स्थान से पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे। ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी नई चीज को सीखने के लिए आपका मन लग सकता है। आप अपने बच्चों से जुड़ेंगे अगर आप मैरिड हैं तो। इसके अलावा आप मनोरंजन की एक्टिविटीज में या एक्टिंग जैसे फील्ड से अगर जुड़े हैं या ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो काम आप घर बैठे कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई आप पेंटिंग बना सकते हैं, कोई सॉन्ग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और ऐसा काम कर सकते हैं जो आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़ा हुआ हो। तो ये समय काफी अच्छा है। अंतिम दिन 30 अप्रैल का दिन काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस राशिफल में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रंग रहेगा सफेद और अनुकूल अंक रहेगा 6। धन्यवाद।